हेलो फ्रेंड्स, स्वागत सभी के एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल खेल कबड्डी में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको प्रो कबड्डी सीजन 9 के 5 बड़े अपडेट के बारे में बताने वाला हूं। जैसे कि फ्रेंड्स, प्रो कबड्डी का ऑक्शन डेट, वेन्यू और प्लेयर कैटेगरी बेस्ट प्राइस के बारे में बताने वाला हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स, पर्स बैलेंस के बारे में बताने वाला हूँ कि एक फ्रेंचाइजी को कितने पैसे मिलने वाले हैं, और साथ ही साथ रिटेंशन रूल के बारे में करते हैं। प्रो कबड्डी सीजन 9 के ऑक्शन डेट की, तो फ्रेंड्स, प्रो कबड्डी ने ऑफिशियल डेट अनाउंस कर दिया है। इस बार फ्रेंड्स, प्रो कबड्डी ऑक्शन 5 एंड 6 अगस्त को देखने को मिल जाएगा। यानी फ्रेंड्स, इस साल ऑक्शन 2 दिनों तक चलेगा। और फ्रेंड्स, रही बात की कहां पर ये ऑक्शन होगा, तो फ्रेंड्स, इस साल भी आपको मुंबई में ही देखने को मिल जाएगा, जैसे कि पिछले साल मुंबई में ही हुआ था। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अगले अपडेट की। हां, तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं प्लेयर कैटेगरी बेस्ट प्राइस की, कि फ्रेंड्स, इस साल कौन से प्लेयर के कितना बेस्ट प्राइस होगा। जैसे कि फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा कि प्रो कबड्डी ने सारे प्लेयरों को 4 भागों में बांट दिया है। जैसे कि फ्रेंड्स, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी और कैटेगरी डी में। जैसे कि फ्रेंड्स, जो प्लेयर कैटेगरी ए में आएंगे उनको 30 लाख है बेस्ट प्राइस, जो कैटेगरी बी में है उनको 20 लाख बेस्ट प्राइस है, जो कैटेगरी सी में है उनका 10 लाख बेस्ट प्राइस है, और जो फ्रेंड्स कैटेगरी डी में है उनको 6 लाख बेस्ट प्राइस रखा गया है। उसके साथ साथ फ्रेंड्स, इस साल टोटल 500 प्लस प्लेयर इस ऑक्शन में भाग लेंगे। हाँ, तो फ्रेंड्स, हम इसे एक मेगा ऑक्शन कह सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स, बहुत लोग पूछते हैं कि भाई इस साल मेगा ऑक्शन होगा या मिनी ऑक्शन। तो फ्रेंड्स, भाई इसे हम मेगा ऑक्शन ही कहेंगे, क्योंकि 500 प्लस प्लेयर हैं तो मेगा ही ऑक्शन कहलाएगा। हाँ, तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अगले अपडेट की। तो फ्रेंड्स, अगला अपडेट है कि पर्स बैलेंस की, कि एक फ्रेंचाइजी को कितने पैसे मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि पिछले साल मिले थे 4.4 करोड़, इस साल भी उतना ही मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अगले अपडेट। हाँ, तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं प्लेयर रिटेंशन रूल की। तो फ्रेंड्स, प्लेयर रिटेंशन रूल में है कि ईच टीम रिटेंड अप टू 6 प्लेयर अंडर इलाइट कैटेगरी। यानी फ्रेंड्स, आप इलाइट कैटेगरी में से 6 प्लेयर को ही रिटेन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि इलाइट कैटेगरी होता क्या है। तो फ्रेंड्स, जो कैटेगरी ए और कैटेगरी बी और कैटेगरी सी में प्लेयर आते हैं उसे हम इलाइट कैटेगरी कहते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, हम 4 NYP प्लेयर को भी रिटर्न कर सकते हैं, यानी एक फ्रेंचाइजी टोटल 10 प्लेयर को रिटर्न कर सकती है। तो फ्रेंड्स, मैंने ऑक्शन से रिलेटेड सारी अपडेट आपको बता दी है। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक